कक्षा 12 के हमारे सभी विद्यार्थियों, भूगोल का आज आपको प्रश्न पत्र समझाऊंगा जो कि एमपी बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 70 में से 70 नंबर बच्चों को चाहिएगा, तो मैं आपको 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, उन्हीं में से कंप्लीट कर लीजिएगा। ए बी सी पहले हो चुके हैं। यहां से देखिए, पहले का अफ्रीका जाएगा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आ जाएगा। तीसरा जो है उसका उत्तर प्रदेश आपका जाएगा। पास पास घने वाली घरों वाली ग्रामीण बस्ती को हम कहते हैं गुच्छित। ठीक है, और यहाँ से 23.3% आ जाएगा। चाय का उत्पादन भारत में विश्व का पहला स्थान है, तो पहला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ से आपका अफ्रीका और यहाँ से ये दूसरा जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 हो गया। यहां से आप रिक्त स्थान को देख सकते हैं। आई आई उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। धरातली खनन को हम विवृत खनन भी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। पंचम क्रियाकलाप के कार्य करने वाले लोग स्वर्ण कॉलर कहलाते हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जमशेदपुर एक क्या है? औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक, यहाँ पर अपन इसको औद्योगिक लिख सकते हैं, औद्योगिक नगर है। ठीक है, यहां से आप आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है उनको। हो गया, अगला है जनांकिकी, इसका जाएगा जनसंख्या भूगोल। गुणात्मक परिवर्तन का आपको लिख देना है विकास, क्या हो जाएगा? विकास। भौतिक भौगोलिक सूचना स्रोत, इसका यात्रियों का विवरण। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अत्यधिक प्रदूषित नदियां, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां है गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा ने जमुना वो तट माई गौवा से ब्याई, और थोरे ढूंढे रे वो तो ढूंढे रे मारो भाई, अरे जमुना ने। चलिए अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये है व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से? मनोविज्ञान से। उत्प्रवासी किसे कहते हैं जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं? किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? वास्तव में उस देश के निवासी ही उस देश का वास्तविक धन कहलाते हैं। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है? प्राथमिक क्रियाएं। उपभोक्ता उद्योग के कोई 2 उदाहरण दीजिए, ब्रेड उद्योग, चाय उद्योग। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा। ठीक है, सत्य असत्य देखते हैं। प्रवासी को जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। व्यापार के 2 स्तर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, बिल्कुल सत्य बात है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, सत्य, यहां से सत्य सत्य आप कह सकते हैं, पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद क्या है लिखिए। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक संख्या जनसंख्या क्यों पाई जाती है? जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आपको बताना है, स्पष्ट करना है। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला है जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास, मानव विकास के महत्व को लिखिए। मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम लिखिएगा। स्थानांतरणशील कृषि अथवा झूमिंग कृषि की 2 विशेषता है। खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित दिखिए। विनिर्माण पर आपको टिप्पणी देनी है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम। भारतीय भाषाओं से संबंधित 4 भाषा परिवारों के नाम लिखिए। महानगर क्या होते हैं? ये नगरी संकुलों को से किस प्रकार भिन्न होते हैं? शिक्षा नगर किसे कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने हैं। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं। भारत में श्रमिकों को कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है?
भारत में जनसंख्या वृद्धि के तीन कारण आपको बताने हैं। भारत में जल सांभर, ठीक है, संभर विकास कार्यक्रमों का मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 आया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में यहाँ से ये इसका हुआ है 19